माननीय श्री अमित शाह जी, हरियाणा प्रदेश में अभी नव मनोनीत अपने प्रदेश अध्यक्ष मेंबर पार्लियामेंट कुरुक्षेत्र श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे प्रभारी राज्यसभा सांसद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा श्री विप्लव देव जी, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, हरियाणा के हमारे सभी कैबिनेट मंत्री श्री अनिल विज जी, श्री कंवरपाल जी, श्री बनवारी लाल जी, श्री मूलचंद शर्मा जी, श्री जेपी दलाल जी, श्री कमल गुप्ता जी, प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा जी, श्री संदीप सिंह जी, हमारे मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल जी, उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधुओंगण, और आज इस अंत्योदय महासम्मेलन में हरियाणा के कोने कोने से पधारे इतने बड़े विशाल जनसमूह, आप सबको मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। माननीय गृह मंत्री जी, आज का यह दिन कई प्रकार से विशेष है। एक तो कल ही 1 नवंबर को हमारे हरियाणा का 58वां स्थापना दिवस था। उस उपलक्ष्य में आज के इस कार्यक्रम को देखें, अथवा हरियाणा सरकार में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नाते से अभी 26 अक्टूबर को 9 वर्ष पूर्ण किए हैं। इस 9 वर्ष के कार्यकाल में काम तो सरकारें सब करती हैं, लेकिन हमने जो विशेष काम किए, खास करके अपने प्रदेश के पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को, गरीब को, मजदूर को, किसान को, कोई भी छोटा व्यापारी, छोटा कर्मचारी, जिनकी आय, सालाना आय बहुत कम होती है, निम्न आय वर्ग जिसको हम कह सकते हैं, बीपीएल जिसको कह सकते हैं, या जिनको जरूरत होती है ऐसे जरूरतमंदों की सहायता के अनेक जो कार्यक्रम किए, उन कार्यक्रमों का आज ये जो अंत्योदय महासम्मेलन है, ये एक उसका प्रमाण है। आज हमारे बुलावे पर इस महासम्मेलन में आदरणीय गृहमंत्री जी ने हमें समय दिया, आप पधारे, मैं आपका हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख लोगों की ओर से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हम अपने गृहमंत्री श्री अमित शाह जी के बारे में बहुत जानते हैं, चाहे वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, उन्होंने देश भर में पार्टी का जो ताना बाना बुना, और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे मजबूत पार्टी, अनुशासित पार्टी, इसका गौरव प्राप्त हुआ। आपकी संगठनात्मक क्षमता, आपकी सुदृढ़ता, इसके बारे में हम परिचित हैं। और चाहे आप गृहमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार के साहसी निडरता के साथ जो फैसले लिए, खास करके प्रधानमंत्री जी ने और आपने, धारा 370 को हटाने का, धारा 335A को निरस्त करने का जो काम किया है, वास्तव में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनकी याद आती है। संयोग से अभी 2 दिन पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भी जयंती हमने मनाई, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में एकता के लिए देश भर में दौड़े हुई, और उनको हमने याद किया कि देश की 3562 रियासतों को एक सूत्र में पिरो करके देश की एकता, अखंडता को जो बनाने का काम उन्होंने किया,
और जो थोड़ा सा काम बच गया था, जिन कारणों से बचा था उन कारणों में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जम्मू कश्मीर का एक विषय शेष बचा था, उस बचे हुए काम को आप लोगों ने पूरा किया। मैं बहुत बहुत इस बात की सराहना करता हूं, आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। आज से 9 वर्ष पूर्व हम पूर्व की सरकारों को देखें, उस समय जिस प्रकार का एक माहौल था, उस माहौल में एक निराशा का वातावरण था, एक अवसाद का वातावरण था। भाई भतीजा के नाते गिने चुने लोगों को लाभ मिलता था, बिचौलिए काम करते थे, जाति और वर्ग इस नाते से बोलबाला रहता था। लेकिन आज हम लोगों ने वो सारी चीजें पलटी हैं। देखा जाए तो आज भी वो बाज नहीं आ रहे उन बातों से, जातिगत पॉलिटिक्स आज भी करते हैं। अभी हमने देखा होगा उप मुख्यमंत्रियों का शोषा सब पार्टियों ने छोड़ रखा है, हम आएंगे इतने उप मुख्यमंत्री बनाएंगे इस जाति में से बनाएंगे, हम आएंगे इस जाति में से बनाएंगे। भाई बनो, ये जातियों का खेल इस देश की जो एक बहुत बड़ी आस्था हमारी लोकतंत्र में है, उस लोकतंत्री आस्था को बिगाड़ा है उन्होंने। बिगड़ी व्यवस्था को ठीक करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है, हम भी उस पर चलते हैं कि वो अपने हिसाब से जातियों पर चलते होंगे, लेकिन जातियों पर हम भी चलेंगे। उनकी जातियां परंपरागत रूप से जैसे लोग बंधे रहते हैं, वोट बैंक के नाते उपयोग करते हैं, वो करते हैं, लेकिन हमने समाज को एक सूत्र में बांधते हुए, और अगर थोड़ा अंतर किया है तो दो जातियों में किया है, एक अमीर जाति है, एक गरीब जाति है। हम इस गरीब जाति की कठिनाइयां, समस्याएं, इनकी जरूरतें, इनको पूरा करने के लिए सरकार क्या कर सकती है, हमारी प्राथमिकता है। भाइयों बहनों, हमने आते ही योजनाएं बनाई थी, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, आईटी का सहारा लिया, ई गवर्नेंस के नाते से हमने लोगों की समस्याओं को आखिरी आदमी तक पहुंच करके हमने पकड़ा। हमने कभी बिचौलियों के सहारे आपके साथ संबंध नहीं बनाया, हमने कभी नहीं कहा कि दौड़ दौड़ कर छोटी बड़ी समस्या को लेकर के आप चंडीगढ़ के चक्कर काटो या दफ्तरों के चक्कर काटो। हमने उन दस्तावेजों से, उन दरखास्त से, उन दफ्तरों से दर दर की दरकिनार करने का जो आप लोग काम करते थे उससे निजात दिलाई है। भाइयों बहनों, सब चीजें सरकार आपके पास पहुंचेगी, प्रोएक्टिव होकर के हमने वो सब काम किए हैं। इसलिए इस काम के नाते से जो हमने सारे काम किए उसके लिए निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि हरियाणा का समाज, हमने इसका एक स्वाभिमान जगाने का काम किया कि हम सब हरियाणवी हैं, हैं हमारी जातियां, जातियां जहां काम आती हैं वहां करेंगे, लेकिन प्रदेश के नाते, देश के नाते हम जो कि प्रदेश सरकार चलाते हैं, तो प्रदेश के साथ सबको जोड़ने के लिए हमने कहा हरियाणा एक, हरियाणवी एक। 9 साल पहले कहा था, आज उसको साकार कर रहे हैं। हमने इतना बड़ा ये जो महासम्मेलन का आयोजन किया है केवल उसी बात का दर्शन कराने के लिए कि अंतिम का उदय, गरीब का उदय। कभी कभी हमको लोग कहते हैं आपने शब्द जो है बड़ा कठिन चुना है, अंत्योदय। हम लोगों से पूछते हैं आपको ये सुविधा मिल रही है, मिल रही है, पेंशन टाइम से मिल रही है, मिल रही है, राशन कार्ड बन गया, मिल गया, आयुष्मान का लाभ मिल रहा है, मिल रहा है, किसी को मुआवजा मिला कि नहीं मिला, मिला, जितनी योजनाएं सबका लाभ मिला। और ये अंत्योदय तो है कि अंत्योदय ही पता नहीं हमको क्या है। भाइयों बहनों, इसको सरल शब्दों में समझना हो तो ये गरीब का उदय, अंत्योदय माने गरीब उदय, गरीबों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। कांग्रेस ने हमेशा नारे दिए गरीबी हटाओ, कभी 4 सूत्री कार्यक्रम, कभी 20 सूत्री कार्यक्रम। मैं कहूंगा इन गरीबों के साथ 420 करते रहे, वो 4 सूत्री 20 सूत्री 420 का खेल खेलते रहे, लेकिन अब उनके भौरे में, चक्र में नहीं आएंगे, जनता नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है।
हम पूछेंगे आपने हमारे शासन से पहले 10 साल में क्या किया था, क्या जो अन्य पार्टियां भी जब अभी सत्ता में रही होंगी क्या करते थे, जनता को लूटते भी थे और साथ में कूटते भी थे। लूटने और कूटने का काम वो करते थे। भाइयों बहनों, हम बड़े प्रेम से, सहानुभूति से एक दूसरे के साथ श्रद्धा बनी रहे। और मैं अगली बात कहूंगा, मैं हरियाणा की 2,80,00,000 लोगों को अपना परिवार मानता हूं। परिवार के नाते हम काम करते हैं मित्रों, भाई बहनों, ये मेरा परिवार है। और जब परिवार मान लिया जाता है तो फिर हर किसी की चिंता करना, चाहे उसमें केंद्र सरकार की योजनाएं हो और चाहे हरियाणा सरकार की योजनाएं हो, उन सब योजनाओं को हम सर एक प्रकार से सिरे चढ़ाने के लिए आगे काम करते हैं। अब आगे से ये जो बाबुओं का काम, घुमाने का काम, भ्रष्टाचार का काम, 3 C को खत्म करने का काम, 3 C यानी क्राइम, करप्शन और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, इन 3 C को खत्म करने का काम हम करेंगे। और मैं ये कह रहा हूं, आज ऐलान कर रहा हूं इस बात का कि 58वां ये हमारा हरियाणा दिवस, इसको हमने मनाया है। और जैसा हम जानते हैं 58 साल के बाद एक कर्मचारी की या किसी भी व्यक्ति की रिटायरमेंट की एज मानी जाती है। ये जितनी बुराइयां प्रदेश में पनपी हैं, हमने लगातार 9 साल मेहनत की है और उस मेहनत के बाद आज हम इस लेवल पर कहने लायक हो गए हैं। आज से इन सब बुराइयों का और रिटायरमेंट होने का टाइम आ गया, हमने सब रिटायर कर दी। किसी बुराई को भी हम पनपने नहीं देंगे, जड़ से मिटाएंगे और 7S पर काम करेंगे। 7S, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सुशासन और सेवा, ये 7S हैं जो जनता के काम आएंगे। उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुशासन और सेवा, इस नाते से 7S पर काम करेंगे। और जनता का जो खजाना है, सरकारी खजाना, इस गरीब जनता के लिए खोल के रखेंगे, कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। मित्रों, भाइयों बहन, बहुत सी योजनाओं का जिक्र प्रेजेंटेशन में हुआ है, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। मैं तो इतनी बात कहूंगा कि हमारा भविष्य कैसे सुधरे, कैसे हम आगे अपने जीवन की कठिनाइयों के बंधन को तोड़ करके आगे बढ़े, सरकार हमेशा आपके लिए तैयार रहेगी। जहां तक इन योजनाओं का जिनका उल्लेख हुआ, एक योजना आपको बता रहा हूं मैं कि गरीब परिवार जिनके घर में से कोई नौकरी पर नहीं जा सकता था, ये नौकरी में आगे कैसे बढ़े, इसके लिए हमने 5% अंक ये अलग से स्पेशल देने का काम किया। कैसे घर जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं है उसको 5% अंक अलग मिलेंगे। और मुझे खुशी है कि अब जो नई नौकरियां मिल रही हैं इसमें 60 से 65% लोग 5% का जो फायदा है वो लेकर के बढ़ रहे हैं, अर्थात नए लोगों के घरों में नौकरी मिल रही है। ये जो पर्चियां खर्चियां ये लेकर के जो चलते थे, वो जमाना लद गया, खत्म हो गया। अब किसी को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप केवल अपने बालक की पढ़ाई, उसको योग्य बनाओ, टैलेंटेड होगा, और अगर परिवार में नौकरी नहीं है तो थोड़ा सहारा 5 नंबर का हम भी लगा देंगे कि आपका परिवार भी इस रेखा में से निकल जाए, आगे बढ़ जाए। हमने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। मैं तो आज इतना ही कहूंगा कि हमारी ये जो योजनाओं के लाभ, चाहे केंद्र सरकार के हैं चाहे प्रदेश सरकार के, मेरा एक अनुमान है, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब कह रहे थे लाखों लोगों को लाभ मिला है, उसमें से इतने सारे लोग आए हैं, मेरा अनुमान है 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को यह लाभ मिल चुका है। मित्रों, 1 करोड़ से ज्यादा हमारी 2,80,00,000 की आबादी में से। आज तो एक वानगी है जो बार बार हमको कहते हैं कि आपने ये जो IT टेक्नोलॉजी, ये जो पोर्टल बना दिया, परिवार पहचान पत्र बना दिया, हम आएंगे तो खत्म कर देंगे। मैं उनको शुभकामना देता हूं कि इस वाक्य को बोलते रहें कि हम आएंगे तो पोर्टल खत्म कर देंगे, हम आएंगे तो परिवार पहचान पत्र खत्म कर देंगे। जितना ज्यादा बोलेंगे उतना जनता को इस बात का पता है कि हमको जो योजनाएं, सेवाएं, लाभ मिल रहे हैं, ये केवल इस पोर्टल से मिल रहे हैं,
केवल इस परिवार पहचान पत्र से मिल रहे हैं, बोलते रहेंगे तो अपने आप दुनिया पोर्टल और परिवार पहचान पत्र तो क्या खत्म करेंगे, लोग उनको खत्म कर देंगे जो ऐसा बोल रहे हैं। भाई बहनों, विकास की बात सामान्यतया सब सरकारों के लिए की जाती है, अंतर इतना ही है कि पहले की सरकारें गलियां नालियां सड़कें बिल्डिंग रोड ब्रिज इसी को मानते थे। ये काम करने जरूरी हैं, हम भी कर रहे हैं और उनसे ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन जनता के जीवन को सरल करना, उनको खुशहाल बनाना, उनको आगे बढ़ाना, स्वाभिमान बढ़ाना, जो गरीब जनता है उसको आगे बढ़ाने का काम ये कभी किसी ने किया नहीं, हम करेंगे। जनता के अंदर खुशी की लहर आए, हैप्पीनेस इंडेक्स इस हरियाणा का कैसे आगे बढ़े इसके ओर हम काम करेंगे। और निश्चित रूप से इसके लिए बहुत सी हम नई योजनाएं भी बना रहे हैं। एक घोषणा मैं करके और अपनी बात समाप्त करने से पहले निवेदन करूंगा गृहमंत्री जी से कि अभी जैसे योजनाओं में हम पता है कि लगभग 30 लाख लोगों को हम मासिक पेंशन 2,750 रुपया दे रहे हैं, उसमें वृद्धावस्था पेंशन है, उसमें विधवा बहनों को पेंशन मिलती है, उसमें दिव्यांग बंधुओं को पेंशन मिलती है, कुछ और जो परमानेंट स्थायी बीमारी के नाते से कुछ लाचार लोग हैं उनको मिलती है, 2,750 रुपए मिलती है। हमने अपने घोषणा पत्र के लगभग 95% वायदे पूरे कर दिए हैं, एक 5% जो बचे हैं इस वर्ष के अब शुरू हुआ है, अगला पूरा वर्ष हमारे पास है। लेकिन एक बड़ी घोषणा जो हमने वादा किया हुआ है कि हम इस पेंशन को 2000 से 3000 करेंगे, 250 रुपया बचा है, पहली जनवरी से ये योजना 3000 रुपया इन बंदों को मिलेगी, ऐसी घोषणा मैं करता हूं। बंधुओं, अंतिम जो बात मुझे कहनी वो ये कि आज हम करनाल की धरती पर बैठे हैं। करनाल दानवीर कर्ण जी के नाम से और जाना जाता है। दानवीर कर्ण के बारे में हम जानते होंगे कि वो एक सामान्य परिवार में जन्म लिया हुआ बालक, बल्कि एक जिनको हे दृष्टि से देखा जाता है इस प्रकार के उनके जन्म की कहानी, यानी वो व्यक्ति इस प्रकार के परिवार में जन्म लेने के पर मां की गर्भ से जन्म लेने के बाद बड़े होकर के कितनी कल्याणकारी योजनाओं के साथ उनको जाना जाता है। ऐसा नहीं कि सारी योजनाएं सारे ऐसा परोपकार का काम कोई बहुत बड़े बड़े धनाढ्य लोग करते हैं, बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं वो कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं, सामान्य व्यक्ति भी सेवा के काम में आगे उतर सकता है। और हमारे लिए प्रेरणा स्रोत दानवीर कर्ण है। दानवीर कर्ण के साथ हम अगर उनकी प्रेरणा लेकर के कोई भी समाज का काम परोपकार का काम करना चाहें सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। दानवीर कर्ण के बारे में लिखा है कि जग में जो भी निर्दलित प्रताड़ित जन है, जो भी निहीन है निंदित है निर्धन है, ये कर्ण उन्हीं का सखा बंधु सहचर है, विधि के विरुद्ध ही उसका रहा समर है। उनके जीवन को उठा के देखे, दान वीरता में उनके कोई सानी नहीं है, तो इस प्रकार का एक आदर्श हमारे लिए है। मैं आदरणीय गृहमंत्री जी से एक निवेदन करूंगा कि अभी कुछ और योजनाओं का आप जो है लॉन्च करेंगे हमारे सबके लाभ के लिए हैं, उसका मैं निवेदन करता हूं। और अंत में एक सूचना कि आपको जाते हुए एक बस्ता, एक किट मिलेगा, थैला मिलेगा, उस थैले में कुछ चीजें रखी हैं जिसके अंदर एक कैलेंडर होगा, एक रजिस्टर होगा, स्कूल में जाने वाले बच्चों का उपयोग वो कर सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का उसमें एक संदेश होगा, और एक मेरा एड्रेस लिख करके जो पता लिखा हुआ है, पोस्ट कार्ड, एक लिफाफा, ये भी होगा। आपको मैं आह्वान करता हूं कि कभी कोई मन में बात आए, किसी और को बताए न बताए, लेकिन एक चार अक्षर लिख करके और मेरे पते लिखे हुए इस पोस्ट कार्ड पर या लिफाफे में कागज डाल करके भेज देना, आपकी हर बात मैं स्वयं पढ़ करके उसके ऊपर संज्ञान लूंगा। भाई बहनों, आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, आपको इस बात की भी जानकारी होगी कि जिस दिन आपका जन्मदिन होता है
मैं उस दिन आपको एक संदेश भेजता हूं। आपके जन्म दर पर किस किस को संदेश मिला है, जरा हाथ खड़े करो। इतने सब लोगों को जन्म का संदेश मिला है। साल भर में हरेक को संदेश पहुंच जाए, क्योंकि आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे भाई बहन हैं। इसलिए मित्रों भाई बहनों, इस नाते से परिवार का सदस्य मान करके आप ये मेरे साथ रखना। और एक अंतिम बात कि आपको जो कैलेंडर मिला है, उस कैलेंडर में छुट्टियां लिखी हैं। इस दिन अगले साल का वो कैलेंडर है, 1 जनवरी से है, इस दिन कौन सी छुट्टी है, कौन सी छुट्टी है, कौन सी छुट्टी है। लेकिन अगले साल में 2 छुट्टियां ऐसी आएंगी जिनका उसमें अभी उल्लेख नहीं किया है। वो 2 छुट्टियां कौन सी होंगी, वो जब भी तय होंगी उसको मैं आपको पता लगेगा। और जिस दिन वो छुट्टी हो तो तारीख पर गोल दायरा लगा देना, और उस छुट्टी के दिन आपने क्या करना है ये काम भी, जैसे वो छुट्टी घोषित होगी आपको पता लग जाएगा। वो 2 छुट्टियां कौन सी होंगी, पहली छुट्टी होगी जिस दिन लोकसभा का चुनाव होगा, और इसी साल की 2री छुट्टी होगी जिस दिन विधानसभा का चुनाव होगा। उन दोनों तिथियों पर आप गोलदारा लगा देना, जरूर याद रखना उन 2 दिनों को। आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है, बस मेरा संक्षेप में इशारे में जितना कहना था मैंने कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय।